हेलो दोस्तों, देखिए जो तीसरा वीडियो था हमारा, उसका ये भाग रह गया था। ये क्वेश्चन मतलब समझाते समझाते बीच में रोक दिया था, और मैंने सोचा कि ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इस वजह से वो बीच में मुझे कट करना पड़ा और ये दूसरे वीडियो में रखना पड़ा, है ना। तो हालांकि बनाते टाइम ये एक ही वीडियो के हिस्से हैं, पर मैंने ये कट करके अलग कर दिया। तो अब आप देखिएगा, फ्रेश माइंड से इसको समझ रहे होंगे। तो एक दुकानदार ने 3 रुपए की 5 खरीदी, वो पिछले वीडियो में भी पढ़ लिया था मैंने सवाल, 5 की 3 ये खरीदी तो 8 रुपए में 8 की दर से बेच दिया, उसका लाभ या हानि परसेंट बताओ। तो देखिए, अब देखोगे आप, यहां पे खरीद है दो दो खरीद है ना, बेचा सिर्फ एक बार है। अब बोल रहा है दोनों में इस इतने में भी उतनी ही वस्तु खरीदी, कुछ पेंसिल खरीदी और उतनी ही पेंसिल जितनी रेट से ये खरीदी हैं, उतनी ही पेंसिल यहां भी इस रेट से खरीदी हैं, और सारी मिलाकर 8 रुपए में 8 की दर से बेच दिया गया है। तो आप एक बात देखो, 3 रुपए में 5 पेंसिल खरीदी जा रही है, 3 में 5 पेंसिल, और फिर 5 रुपए में। कोई साधारण लोग इसको ऐसे ही करेंगे, जो थोड़ी भी प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे, तो वो सोचेंगे ये खरीद 3 रुपए की 5 पेंसिल, 5 रुपए की 3 पेंसिल, वो सोचेंगे 8 रुपए की 8 पेंसिल खरीद लेते हैं, और तुम कह रहे हो 8 रुपए की 8 ही बेच दी, तो फिर तो कुछ नहीं हुआ, न लाभ न हानि, वो तो गलत रहेगा, एकदम गलत रहेगा। ऐसे सवालों में जब ऐसे लगे ना तुम्हें, जो साफ देखने में ऐसा लग रहा हो कुछ ना मिले, किसी आदमी की आय पहले 10% बढ़ा दें फिर 10% घटा दें, तो ऐसा लग रहा है ना जैसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा नुकसान में जाता है ऐसे में बात, तो ऐसे भी नुकसान ही होगा। ठीक है, इसमें सवाल में कभी भी लाभ आ ही नहीं सकता, लाभ का ऑप्शन ही हटा दो, हानि ही आएगी। दो ऑप्शन में लाभ दे रखे होंगे और उन्हें एकदम काट दो। ठीक है, अब जरा मैं इसका तरीका बताता हूं। जैसे मैंने पिछले दो सवाल, छठा और सातवां, आपको तरीके से बताए थे पिछले वीडियो के, मतलब क्या तरीका, एलसीएम का तरीका। यहां पे 3 का एलसीएम है, वहां पे 2 ही चीजें होती थी, 3 की 5 की दर से खरीदा, 5 की 3 की दर से बेच दिया, ऐसे होता था। लेकिन यहां पे 2 चीज मिलाई हैं, तो खरीद 2 है, तो आप देखो जरा, 5 3 8 का एलसीएम निकालो पहले, 3 5 8 का एलसीएम आप देखोगे ना तो ये आएगा 120, 120। तो 120 पेंसिल खरीदो बाप, 120 खरीदोगे, 3 रुपए में 5 आ रही हैं, तो 120 कितने की आएंगी बताओ, खरीद बताओ मुझे, 3 रुपए की 5 आ रही हैं तो 120 कितने की आएंगी। तो अब आप देखो कि 5 का कितने गुना है 120, 120 कर रहा हूं मैं इसको 24 गुना, तो 24 थी 72 रुपए की, तो पहली खरीद तो 72 रुपए की है, कितनी पेंसिल, 120 पेंसिल। ठीक है, और दूसरी खरीद, दूसरी खरीद 120 ही खरीदने, कह रहा उतनी ही पेंसिल खरीदनी है, तो 3 का कितने गुना है 40 गुना, तो 40 गुना ही दाम लगेगा, मतलब 200 रुपए और खरीद के। ये सवाल मेरे वाले आर्य सत्यवाल में नहीं है जिससे मैं हल करता हूं, पर ये मेरे पिछला ही कुछ ध्यान था और मैंने ये किसी बुक से खोज के आपके लिए लिखा है। ठीक है, कि ऐसा भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो 200 रुपए, अब आप जरा देखो, ये भी 120 वस्तु का रेट है, 120 वस्तु ये है, 120 ही है, टोटल माल उसने कितने का खरीदा है, 272 रुपए का। कितनी वस्तु खरीदी है, 272 में 240 वस्तु। अब इन सारी वस्तुओं को बेचेगा, ये वस्तु है ऊपर मूल्य है, ठीक है, इन सारी वस्तुओं को बेचेगा, किस रेट से बेचेगा, 8 रुपए में 8, 8 रुपए में 8, तो 240 वस्तु कितने रुपए की बिचेंगी, 240 रुपए की 240 वस्तु। तुम कहो जी यहां तो एक की एक आ रही है इसलिए बहुत आराम से आ गया, कहीं ये नहीं कटता, तो दोस्तों मैं बता रहा हूं ना आपको, ये 8 रुपए में 8 की दर है ना, तो इस दर का भाग दे दो, इसमें कितनी बार आया 30, तो मतलब ये 30 गुना है ना, इससे 240 बेचने 30 गुना, तो 30 गुना ही दाम कर देना, 240 अपने आप आ जाएगा, मतलब 240 की जगह। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये 216 होता या कुछ और भी होता तो ऐसे करता मैं, इस 8 का 216 या जो भी कुछ है 200 होता, चलो 200 वस्तु आती तो 8 का भाग देता 200 में, 25 बार जाता, 25, अब यहां पे 7 रुपए भी होते ना तो 25 7 175 कर देता, बस ये समझ लीजिए आप। ठीक है, तो ये जितने भी रुपए होंगे, 7 रुपए की होती 8 वस्तु, 8 का ही भाग दूंगा वस्तु का, तो 8 का दूंगा, 30 बार जा 30 7 210, कोई समस्या नहीं।
ठीक है, तो ऐसे करता तो खरीद 272 की, बेचा 240 में। अब जरा बताना नुकसान हो रहा है या लाभ हो रहा है। ये खरीद है पूरे सामान की, ये बेचा है पूरा सामान, 240 वस्तु इतने की बिची है, तो हानि हुई ना। हानि कितने परसेंट हुई बताओ जरा, 32 रुपए की हुई। 32 रुपए, पहले रुपए देखो, बटे खरीद मूल्य 272 गुणा 100, तो इसका बटे बटे में ही आता है 4 8 32, 4 6 24, 4 8 32 और कट जाएगा, 4 से 17 बार, 4 से 2 बार, तो 200/17 भाग दे देना, इतने परसेंट हानि आएगी, 200/17। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, नहीं आया हो तो कोई सवाल ढूंढ लेना, मुझे तो और मिला नहीं, मैंने प्रैक्टिस के लिए लिखा नहीं आपके लिए। तो 15 वस्तुओं का देखिए, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे सवाल तीसरे वीडियो के लिए लिखे थे, सवाल आप देख चुके हो, फिर से देख लीजिए, यही सवाल है वो जो उस वीडियो में थे। तो अब जरा देखिएगा, तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये लाभ हानि का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट। हालांकि मैं किसी क्वेश्चन पे ऐसे लिखता नहीं, पर क्योंकि मैं किसी को इंपॉर्टेंट मानता ही नहीं, इंपॉर्टेंट वो है जो पेपर में आ जाए, तभी तो सारे सवाल हल करा रहा हूं। फिर भी मेरा मन करा कि मैं इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिखूं, क्योंकि अगर आपको लाभ हानि से सिर्फ एक ही सवाल करना है, कसम खा के बैठ, बस एक ही करना है जी तैयार, तो इसे कर लेना, बस सबसे ज्यादा चांस रहेंगे आने के। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि परसेंट बताओ। ये दोस्तों इतना कंफ्यूजिंग सवाल है ना, अगर समझ में ना आए इसका तरीका, तो ये हमेशा आपको गलती करवाएगा और कोशिश करेगा कि आप गलत करो। देखो मेरा तरीका से समझो, आप कभी गलत नहीं कर सकते इसको, ना कभी कंफ्यूजन होगा। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये बराबर का निशान अगर मैं यहां लगा दूं और अब पढ़ूं सवाल को, सिर्फ इतना, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, सवाल तो अब भी वही रहा भाई, ये बराबर का जो निशान है बस वो मैथमेटिकल रूप दे लिया मैंने सवाल को, बराबर ऐसे ना लिख के यहां लगा लिया भाई, ये दोनों चीज ही तो बराबर बोली है ना उसने। अगर आपने दोस्तों ये निशान लगा लिया है ना, तो सवाल खत्म हो गया। तुम कहो जी ऐसे कैसे खत्म हो गया, देखो आप जो देखिए, कभी भी ऐसा हो ना 3x/2y, ये चीज मैं बहुत यूज करूंगा अनुपात समानुपात में, तो इसमें अगर कोई आपसे पूछे एक्स वाई रेशो बताओ, तो एक्स का रेशो एक्स के सामने वाला जो है, और जो वाई का रेशो वो होता है जो वाई के सामने वाला हो, तो एक्स का 2 और y का 3, कभी एक्स का 3 नहीं होता, पता है ना आपको ये कभी, क्योंकि एक्स बटे वाई करोगे 2/3, तो एक्स 2/3 आना है, मतलब कैसे भी कर लो आप, ठीक है। तो अब यार इसको भी गौर फरमाइएगा, तो क्रय मूल्य ये 15 तो क्रय के साथ है, ये कभी इसका मान नहीं हो सकता, तो क्रय मूल्य बराबर 20 रुपए, साफ दिख रहा है क्रय मूल्य बराबर 20 रुपए, तो ये रुपए मान लो अब, और ये 15 रुपए वस्तु छोड़ो रुपए हो गए अभी, और विक्रय मूल्य बराबर 15 रुपए, विक्रय मूल्य के सामने जो है बराबर में, तो खरीद कितने की है दोस्तों 20 की, और बेचा कितने में है दोस्तों, बिका कितने में है 15 में, बताना जरा लाभ होगा या हानि। अरे भाई खरीदा ज्यादा में, 20 रुपए का पेन लाए 15 में दिया है, तो क्या खा लाभ करके आए हो, हानि होके आई है, कितने रुपए की हानि हुई है, परसेंट निकालना है मुझे, 5 रुपए की, बटे क्रय मूल्य क्या है 20 गुणा 100, सवाल तो खत्म हो गया, बोला था ना मैंने वही खत्म हो गया था ये बराबर का चिन्ह लगाते ही, ठीक है। और तुम्हें इसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए एक और क्वेश्चन लिखा है, इसमें 2 ऑप्शन लाभ के और 2 हानि के होते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान रखो कि क्या हमें करना है। अब जरा अगला सवाल ले लो, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो विक्रय कितना है इस बार 30 रुपए, रुपए मानो, और क्रय मूल्य कितना है इस बार, क्रय मूल्य 25 रुपए, खरीदा 25 में बेचा 30 में, ज्यादा में बिक रहा है ना, तो लाभ होगा, बेचने वाला बड़ा हो तो हमेशा लाभ होता है 5 रुपए का, बटे क्या क्रय मूल्य क्या है 25 गुणा 100, अब 25 चौके 100, 20% लाभ,
खत्म हो गया सवाल। अब देखना, ये दूसरा तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लिखा था, समझ में तो नवे क्वेश्चन से ही आ गया होगा। अब जरा ये क्वेश्चन और गौर फरमाओ, 11 से लेके और ये 14 तक, बिल्कुल चार क्वेश्चन है, एक ही लहजे में एक ही साथ पढ़ना है आपको। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, पर अगर ये समझ में नहीं आते ना तो एक गलती बहुत करवाते हैं आपसे। तो देखिए इनमें फर्क क्या है, सब में सब एक से हैं बिल्कुल। 20 वस्तुएं बेचने पर, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, लेकिन आपका कंफ्यूजन आज मैं जड़ से मिटाने वाला हूं। 20 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। इसको पढ़ना, 110 बेची, दुकानदार को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो देखिए यहां पे क्या फर्क है दोनों सवालों में, ये लाभ है और इसमें हानि है, ठीक है। और नीचे वाले सवाल देखना, और कोई फर्क नहीं है, नहीं है, कुछ नहीं है, और संख्या तो सवाल में चेंज होती है। अब आगे देखो, 40 वस्तु बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, लाभ तो हुआ ही हुआ, और साथ में जो विक्रय के बराबर हो रहा था ना, ऊपर देखो दोनों में विक्रय के बराबर लाभ और विक्रय के बराबर हानि, यहां साथ में क्रय जुड़ा हुआ है, क्रय के बराबर लाभ और क्रय के बराबर हानि, दो टाइप क्रय की बनती है, दो विक्रय की। तो क्रय मूल्य के बराबर हानि, क्रय के बराबर लाभ, क्रय के बराबर हानि, और दो विक्रय के बराबर लाभ, विक्रय के बराबर हानि, ये सवाल है सारे। तो अब मैं जरा बता दूं आपको 11वां सवाल, लाभ हो रहा है आपको पहचान तो हो गई ना, विक्रय के बराबर लाभ, बस दो चीजों पर गौर करना है इनमें। तुम कहो जी ये पुराना सवाल कहीं वही तो नहीं है, ऐसा तो नहीं दोस्तों, इसमें होता है इतनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य इतनी की क्रय के बराबर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इतनी वस्तु बेचने पर इतना लाभ हो रहा है ना, इस सवाल में तो लाभ या हानि की पता नहीं लगती लास्ट तक, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जी लाभ हो रहा है हानि, इसमें साफ बोलता है लाभ है, इसमें साफ बोलता है हानि है, लाभ होता है हानि होती है, इसमें नहीं बोलता कभी भी, ठीक है। तो फर्क समझ में आ गया, अब आप बहुत आराम से कर लेंगे। अब जरा देखना, लाभ परसेंट चाहिए ना आपको, लाभ परसेंट, तो ध्यान दो लाभ अब के बस वस्तुओं में हो रहा है, आप वस्तुएं ही माने कोई समस्या नहीं है, 5 का लाभ हो रहा है, 5 का लाभ हो रहा है, 20 वस्तुएं बेचने पर हो रहा है ना, तो 20 ये तो बिकी हैं, आपको खरीद रखनी होती है ना, नीचे खरीद रखनी होती है, तो खरीद पे कैसे जाएंगे, याद रखो 20 में 5 का, अगर आप एक बात सुनो, अगर 5 का लाभ हो गया है तो लाभ को घटाओगे तो सही, तभी तो खरीद पे जाओगे, 20 में 5 तो लाभ के हैं आपके, तो वास्तविक कितने हैं फिर, वास्तविक और वास्तविक ही तो होता है क्रय मूल्य, तो वास्तविक कितने हैं, 5 कम कर दो, क्योंकि लाभ हो चुका है 20 में 5 लाभ की जुड़ी हुई है, तो 15 ही तो बची असली, असल पे जाओ ना और गुणा 100, याद आ गई ना बात, मतलब समझ में आ गई ना बात, 5 × 15 = 100। अब इसमें अगर कोई गलती से प्लस 5 कर गया तो कैलकुलेशन देखो, 25 × 100, 4×5 = 20%, बहुत अच्छा कटता है, बहुत अच्छा, अगर प्लस करोगे तो कितना अच्छा कट रहा है, माइनस करोगे कट ही नहीं रहा है, तुम सोचोगे गलत कर रहा हूं, प्लस कर देता हूं यहां पे, ये गलती तो करते हैं हम कि कैलकुलेशन सही नहीं आ रही, और एग्जामिनर जानता है इस बात को कि आप इसको देखकर ऐसा कर दो, उसके मजे आ जाएंगे, है ना, कि मेरिट डाउन चली जाएगी, अगर मेरिट डाउन जाती है ना पेपर की तो समझ लो एग्जामिनर की जीत है, अगर मेरिट अप जाती है ना तो आपकी जीत है, समझ लो ये बात। तो 5 × 15 100/3 33 सही 1/3%, क्या लाभ, ठीक है। 110 वस्तुएं बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय के बराबर हानि, खुद करो मैं नहीं बताता कुछ भी, हानि परसेंट, 10 की हानि हुई जितनी हानि हुई थी ऊपर, 110 बेचने पर 10 चली गई नुकसान में, वास्तव में थी कितनी, 10 तो नुकसान में गई, हमें तो 120 की कीमत चाहिए थी, जो असल है ना वो रखी जाती है नीचे, मतलब 110 में 10 जुड़ेगा इस बार, 110 में 10 जुड़ेगा और गुणा 100, मतलब नुकसान में जुड़ता है, हानि में जुड़ता है, क्यों जुड़ता है, हानि है, अगर आपने घटा दिया तो और बड़ी हानि हो जाएगी बेचारे को, मर जाएगा वो, और लाभ है तो घटा लो, बहुत फर्क नहीं पड़ता, अरे
समुद्र में से दो लोटा निकालो, दस निकालो, फला भी लाभ है, क्या हो गया, कोई कमी पड़ रही है उसको, हानि वाले में से मत घटा देना, ध्यान रखना ये बात। 10/120 × 100 खत्म हो गया सवाल। 12 अब इसका भाग देना जरा, 2 से 4 से 4 किया 12, 4 से 25 बार, 25/3, 3 8 24, 8 सही 1/3% हानि। हानि तो कह ही रहा है, वो ऑप्शन में हानि लाभ अलग अलग नहीं लिखेगा, उसको पता है हानि तो आनी है, ठीक है, तो ऑप्शन ऐसे रहेंगे, हानि लाभ नहीं लिखा रहेगा आगे। 40 वस्तुएं बेचने पर दुकानदार को 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट बताओ, तो बताना जरा लाभ परसेंट बताओ खुद। तुम कहो जी 5 वस्तुओं का लाभ है, तुम कहोगे 5 लाभ है, तो 40 में से 5 माइनस कर दूं, 5/40 − 5 × 100, अरे भाई फिर क्या फर्क रह गया, विक्रय देता तुम तो तब भी यही करते। मेरी बात सुनो गौर से, अगर विक्रय देगा तो ही प्लस माइनस करते हैं, लाभ में माइनस हानि में प्लस, विक्रय के साथ, अगर किराए के साथ दिया है तो किराए तो किराए ही है, फिर आपको किराए ही रखना होता है, बेचे चाहे खरीदे सब कुछ वही है फिर, और गुणा 100, ठीक है, ना जोड़ना ना घटाना। तुम क्या हो जी हानि में या लाभ में, अरे लाभ आए चाहे हानि आए, किराए देखते ही तो 5/40, ना जोड़ने की सोचनी ना घटाने की। यहां भी ऐसी कर दूं, हानि में किराया आ रहा है ना, हानि में आओ चाहे लाभ में आओ, देखना ही नहीं है, इन्हीं दोनों संख्याओं को ऊपर नीचे रख देना है बस, ना जोड़ना ना घटाना, वो काम तो आप विक्रय में कर चुके हो दोनों ही, तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं। 0 से 0 काट देता हूं, 50, अरे मैंने ये गलत काट दी ना, 10 × 50 करो, 50/4, 25/2, 12.5% उत्तर। इसको भी करो, 100 × 2 = 25% उत्तर, कितने आसान है, बेकार में आपने हवा बना रखा है लाभानी को। जरा 15वां क्वेश्चन देखना, एक दुकानदार 10% घोटाला खरीदते समय तथा 10% घोटाला बेचते समय करता है, उसका लाभ परसेंट बता दो जरा। अरे भाई घोटाला दुकानदार करता है, अपना नुकसान करवाएगा क्या, अरे खरीदते समय भी घोटाला हो जाता है क्या जी, वो तो दूसरे के हाथ में, मान लो तुम खरीदते समय क्या दुकानदार से घोटाला कर सकते हो, बताओ जरा, खरीदते समय ला सकते हो सामान फालतू, हाँ ला सकते हैं ना, जिधर आप चीनी तुलवा रहे हो, है ना, आजकल तो खैर कंप्यूटर के कांटे हैं, पहले कैसे होते थे वो सुई वाले, और उसमें जिधर आपका सामान तुल रहा है नीचे एक चुंबक चिपका दो, है ना, तो फिर क्या होगा, अरे भाई सॉरी ये तो कम हो जाएगा, और उधर जिधर बाट लगे हुए हैं, बट्टे रखे हुए ना, 1 किलो चीनी ला रहे हो आप, नीचे चुंबक चिपका दो 100 ग्राम की, तो 100 ग्राम चुंबक चिपक गई, गलत काम नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको, कभी सोचो गलत काम सिखा रहे हो जी, अरे नहीं भाई, कोई दुकानदार होगा तो बुराई मान जाएगा इसमें कि जी ऐसा क्यों करवा रहे हो, भाई मैं आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन में खरीदते समय घोटाला कैसे होगा, तो आप समझो बाट का वजन बढ़ जाएगा, सामान फालतू मिल जाएगा। अब बेचते समय क्या किया फिर उसने, दुकानदार खरीदते समय तो ऐसे कर रहा है, वो भी तो कहीं से खरीद के ला रहा है, घर थोड़ी बना रहा है, अब वो बेच रहा है तुम्हें, अब उसने क्या किया, अब की सामान की तरफ लगा दिया, तो सामान पहले ही 100 ग्राम बना दिया उसने, अब आपकी सामान की तरफ 100 ग्राम की चुंबक रख दी, तो समझ में आ गई ना बात, ऐसे करता है घोटाले। घोटाले लाभ करवाते हैं दुकानदार को, नुकसान करवाएंगे, अच्छा घोटाला भी करेगा नुकसान भी झेले, ऐसा हो सकता है क्या, तो घोटाला होता है हमेशा लाभ, याद रखो आप ये बात, और घोटाला होता है यहां भी घोटाला तो लाभ। अगर तुम कहो 20% घोटाला 120, 20% घोटाला 120, तुम कहो जी बटे 100 भी करें, 100-100 भी तो करते हैं, अरे मत करो ना, 100 110, वो दोनों तरफ आ रहा है इसलिए 100 हटा देते हैं फिर, तो उसका कोई फायदा नहीं है। 110 × 110, 2 बार घोटाला किया, 110 × 110 / 100 कितना आया, 100 से फालतू, देखो ना, ऐसे तो हमने बहुत सवाल कर रखे हैं पहले भी, 21%, जितना ये 100 से ज्यादा है ना उतना ही लाभ होगा, घोटाले में कभी नुकसान बन ही नहीं सकता, ध्यान रखना है ना। अगर 20-20% हो दोनों तरफ घोटाला तो 120 120, तुम कहो जी 100 आए तभी, नहीं 20 आए, यहां 10% घोटाला है, 120 110, 32% आ जाए, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब जरा इस वीडियो
को बहुत अच्छे से आपने देख लिया होगा, सेव कर लेना अच्छे से, कहीं दोबारा देखने की जरूरत पड़े दोबारा देखना, तिबारा देखना। अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना, दोस्तों तक पहुंचा देना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं वीडियो देता रहूंगा। चलिए ओके, बाय बाय, मिलते हैं एक और झक्कास वीडियो के साथ नेक्स्ट।